नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हालात संभालने के लिए अब बीजेपी का संगठन उतरा है। नागरिकता कानून पर हालात संभालेगा संगठन। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है। किसी के भी बहकावे में ना आने की अपील की गई है। बता दें कि राज्य मंत्रियों को लोगों का भरोसा जीतने का जिम्मा सौंपा गया है। सीएम ने राज्य और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है और किसी के भी बहकावे में ना आने की अपील की है। सभी जिलों में मंत्री लोगों से बातचीत करें, ये निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। विधायक और कार्यकर्ताओं की बात सुने मंत्री। इसके साथ ही सीएए को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को, सभी मंत्रियों को। बता दें आपको, यूपी में सीएए के विरोध में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद अब हालात संभालने के लिए बीजेपी का संगठन उतर पड़ा है। नागरिकता कानून पर हालात संभालेगा संगठन। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और किसी के भी बहकावे में ना आने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं सभी राज्य और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को कि सभी जिलों में मंत्री लोगों से बातचीत करें। और अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती बरती जाए। बता दें आपको कि कल यूपी के कई जिलों में जुमे की नमाज अदा करने के बाद प्रदर्शन हुआ। आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, घटनाएं हुई, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए इसमें, जिसके बाद अब बीजेपी संगठन हालात संभालने के लिए उतरा है। और स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक की है धर्मगुरुओं के साथ, अपील की है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। राज्य मंत्रियों को लोगों का भरोसा जीतने का जिम्मा दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूपी के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया लोगों ने और हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं लोगों से बातचीत करने के। बता दें आपको कि कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं। अफवाह ना फैलाई जाए इसको लेकर इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद की गई हैं। और सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं मंत्रियों को लोगों से बातचीत करने के, विधायक और कार्यकर्ताओं की।